हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है अबाउट योर रिलेशनशिप, कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होगा, किसके साथ होगा, और जो भी डिटेल्स यूनिवर्स आज बताना चाहती है, साथ ही साथ क्या गाइडेंस बताना चाहती है, वो हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कार्ड्स है। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज आहो वाइट क्रिस्टल, देन वी हैव ब्लू लेस अगेट, देन वी हैव रोडोक्रोसाइट। आप इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं इंटिविजुअली। इनके जो पाइल है कि किसकी रीडिंग कहाँ से शुरू होगी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग की रीडिंग। हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने आहो आइट का कार्ड चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कार्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट टू रिलीज योर इमोशनल वूंड्स। अगर आपको कोई भी इमोशनल वूंड्स है, मीन्स कि कोई भी पास्ट का पेन है जो आपने बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसको आप छोड़ नहीं रहे, तो नाउ इट्स अ वेरी हाई टाइम टू रिलीज इट, टू कम आउट ऑफ इट। और जिसके साथ जो भी आपकी घटना घटी है या जिसके साथ भी आपका जो इशू क्रिएट हुआ है, यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन। फॉरगिवनेस यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप एक डिवाइन पाथ पर हैं, आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आपसे कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने आपको काफ़ी सारे लेसन्स दिए। बट अगर आप उन्हीं चीज़ों में अब्जॉर्ब रह जाओगे, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी पे तो नहीं बढ़ पाओगे। तो नाउ इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज इट, टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट लव एज वेल इन योर लाइफ, ताकि आप अपनी लाइफ में लव को भी अट्रैक्ट कर सकें। ओके, सो ये जो कार्ड होता है बेसिकली, सॉरी, जो ये क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्रा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स यू टू हील योर थ्रोट चक्रा, यू नो, जो आपके इमोशंस रिप्रेस्ड हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, अपने भीतर ही आपने रखे हुए हैं, अपने हार्ट में, अपने थ्रोट में, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पर आपका क्राउन चक्रा भी आ जाता है। तो थ्रोट, क्राउन और आपका हार्ट चक्रा, उसको ये क्रिस्टल रूल करता है, मतलब इट रियली हेल्प्स टू हील दोज चक्रास। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर ये क्रिस्टल माना जाता है। तो चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स के थ्रू व्हाट एल्स वी कैन सी अबाउट योर लव लाइफ एंड व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा आपका। तो दो कार्ड्स मैंने यहाँ पर पहले से ही निकाल के रखे हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप स्पिरिचुअल रियल में ऑलरेडी ही अपने सोलमेट के साथ हैं। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, बट हम ऑलरेडी, यू नो, एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यही रीज़न होता है जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम इसको जानते हैं, हम इसको पहले से जानते हैं। रीज़न बींग फॉर दैट इज़ कि एक तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हम स्पिरिचुअल रियल में उस पर्सन से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, 5D वर्ल्ड में उस पर्सन से कनेक्टेड है। जैसे कि होता है ना कि आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हो और उनका एकदम से कॉल आ गया, तो टेलीपैथी कनेक्शन दिखाता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है दिस कार्ड ऑफ सोलमेट। दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि आप अपने पार्टनर्स के साथ, अपने सोलमेट के साथ एक स्पिरिचुअल रेल्म में हैं, और बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में भी आने वाले हैं। ओके, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। वाओ, दिस इज सो रोमांटिक पोएम वन। बेसिकली ये कार्ड जो है वो बात करता है कि आपके सोलमेट जो है वो आपको एक दिलासा दे रहे हैं, एक होप दे रहे हैं कि वो ऑलरेडी आपके हार्ट में है। अगर आप डीप डाउन जाके अपने आप को लव करेंगे, जो भी आपने ग्रजेस, जो भी हार्ट में आपका पेन है, पास्ट की जो भी मेमोरीज आपने, जो सैड मेमोरीज रखी हुई हैं, जब आप उस, यू नो, बोझ को अपने शोल्डर्स पे से हटाएंगे, तो यू विल डेफिनेटली फील दिस लव इनसाइड यू। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द कार्ड्स नाउ। पहले हम देखते हैं कि मेजरली क्या होगा आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप। उसके लिए मैं एक कार्ड यहाँ पर निकालना चाहूँगी। प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज विष्णु जी, प्लीज हमें बताइए अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ पाइसेस, जुपिटर। ओके, सो यहाँ पे गुरु की एनर्जी है, बृहस्पति की एनर्जी है, अगेन जुपिटर इज ऑल अबाउट लॉर्ड विष्णु। सो बेसिकली दिस कार्ड पाइसेस इज टेलिंग मी, तो जो भी आपका नेक्स्ट कनेक्शन होगा, अगेन पाइसेस यहाँ पे एक साइकिक एबिलिटीज दिखाता है, फैंटेसी वर्ल्ड दिखाता है, आइसोलेशन, लॉस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट
मुझे जो यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है मैं उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात करूँगी. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन. बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में एक आने वाला है, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन. बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पर बोथ ऑफ यू आर बिलीविंग इन ईच अदर, जहाँ पर आप एक दोनों में काफ़ी ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं. उस तरीके की एनर्जी मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है. एंड आप पर इधर उधर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, काइंडली इग्नोर इट. सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, कि आपकी लाइफ में एक पहले से ही लिखा गया कनेक्शन है. अब ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है, बिकॉज अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग. हाँ, अगर कार्ड्स में दिखाई दिया तो डेफिनेटली आई विल टेल यू अबाउट इट, बट येस ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक फेटेड कनेक्शन है. ओके, सो चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू अबाउट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, हाउ विल इट बी. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. ओके, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगी. एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सी गाइज, आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन. मुझे जो दिखता है वो मैं बताती हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट इट्स रियली नेसेसरी कि जो चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट. सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि स्टार्टिंग में यू विल फील कि काफ़ी कुछ चीज़ों पे आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन हेल्प करेंगे वो जो आपके दबे हुए इमोशंस है ना वो बाहर उभर कर आएँ, और वो एक अच्छी तरीके से भी हो सकता है या थोड़ा सा एक बैड तरीके से भी. बैड इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली बैड, मींस कि आप दोनों कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि आपको पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, यू नो. सो यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हीलिंग. तो स्टार्टिंग में कुछ आपके कार्मिक लेसन इस पर्सन के साथ हो सकते हैं, जो हमारे हर एक कनेक्शन में होते हैं. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दैट वाओ दिस इज़ सो स्कैरी कि ऐसा क्या कनेक्शन आने वाला है, ऐसा नहीं है. आपकी फैमिली में भी आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं, तो दैट्स रियली नॉर्मल. वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन. ओके, प्लीज यूनिवर्स प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज यूनिवर्स प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स. कनेक्शन जो है इसकी, जो स्टार्टिंग जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसे हो सकती है, यू नो, आप लोग कहीं मिले हैं, कुछ ऐसा हो सकता है विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, एक मैसेज के थ्रू बात हो रही है. स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे एक फ्रेंडशिप के थ्रू यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है. हो सकता है आप स्टार्टिंग में कन्फ्यूज भी रहे इस पर्सन को लेकर, यू माइट फील स्टक. या ये हो सकता है इस कनेक्शन में एक पर्सन जो है वो शुरू में थोड़ा सा स्टक फील कर सकता है, मतलब उसको नहीं पता कि इस कनेक्शन को आगे कैसे बढ़ाना है या क्या करना है. आई ऑल्सो फील कि इस कनेक्शन में जो स्टेबिलिटी आएगी वो बहुत धीरे धीरे ही आएगी. ओके, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि कनेक्शन में स्टेबिलिटी बढ़ रही है और अच्छी बढ़ रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है. तो दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में इस कनेक्शन के थ्रू आएगी. इवन आप दोनों अपने करियर पर भी वर्क करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ पर भी वर्क करेंगे, एक इंडिविजुअल ग्रोथ भी मुझे कहाँ पर दिखाई दे रही है. बिकॉज इस कनेक्शन के थ्रू ना आप अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे. पाइल नंबर वन, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पहले शायद अपने बारे में नहीं पता थी, इस पर्सन के थ्रू आपको अपने बारे में पता चलेगी यहाँ पे. इवन आई एम ऑल्सो सीइंग कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के थ्रू आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर और आगे बढ़ेंगे, और आगे अपनी लाइफ में जाएंगे. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में जहाँ पे यू नो यू फील रियली कन्फ्यूज अबाउट इट, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी इन फ्यूचर मिल रही है. बट येस, बिफोर दैट देयर विल बी अ टाइम, उससे पहले एक टाइम ऐसा आपकी लाइफ में आएगा विद दिस पर्सन, जहाँ पर यू विल लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, जहाँ पर आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखेंगे. यू नो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, थिंकिंग चल रही है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीख रहे हैं. इस पर्सन के थ्रू आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है. तो एक पर्सनल ग्रोथ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है इन दिस कनेक्शन. फॉर सम ऑफ यू गाइज, देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपके लिए एक अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो यहाँ पे. वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शुरू में आप यू नो फिजिकल चीज़ें उस पर्सन की ज़्यादा देखो, आपको अट्रैक्शन होगा जो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है. एक अट्रैक्शन है, यू नो, एक थोड़ा सा मुझे एक सेक्सुअल चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है. तो वो एक फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको हो सकती है आपकी पर्सन के साथ, एंड देन फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और बाकी धीरे धीरे इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आएगी. ओके, विद दिस कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोग इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे यहाँ पर शादी वाली वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है,
तो आप लोग इन फ्यूचर काफ़ी कुछ साथ में बिल्डअप करेंगे, काफ़ी चीज़ें। इवन मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है, इन केस अगर यहाँ पे शादी नहीं भी है तो आप दोनों अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्टेबिलिटी गेन करोगे इस कनेक्शन के आने के बाद। स्पेशली मुझे यहाँ पर कुछ लोग ले तो 2-3-5 साल आराम से इस कनेक्शन में आपके दिखाई दे रहे हैं मिनिमम। बाकी काफ़ी लोगों की मुझे यहाँ पे 45-65% लोगों की मुझे यहाँ पे इस पर्सन के साथ शादी भी दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ कनेक्शन। ओके, आई नो दैट आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स, चलिए लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू टू सी अबाउट दिस पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज विष्णु जी, प्लीज़ हमें बताइए अबाउट दिस पर्सन, जो भी इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, इनके पर्सन एक्चुअल में कैसे होंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके दिस इज नाइस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। काफ़ी हार्ड वर्किंग एम्बिशियस पर्सन होंगे जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं। येस, वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। एंड आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे डोर्स भी ओपन होंगे इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ के अंदर। एंड ये पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डजेंट मीन दैट अगर वर्किंग नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। काफ़ी इंडिपेंडेंट ये पर्सन होंगे, और हो सकता है कि आपके आने से पहले बहुत टाइम तक सिंगल भी ये पर्सन रहे हो, या इन्होंने अपनी सिंगल लाइफ इंजॉय करी हो। इस पर्सन को रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी अपने लिए स्पेस चाहिए, अपने लिए टाइम चाहिए। और अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो यू विल लर्न थ्रू दिस पर्सन इन योर लाइफ कि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये जो पर्सन हो सकते हैं कि कोई यूनिक काम करते हो, यू नो, बहुत क्रिएटिव फील्ड में हो या कुछ यूनिक काम करते हो, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। कोई अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ होगी जिसके थ्रू शायद ये अपनी लाइफ में अर्न कर रहे हैं। एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है ये। वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, टॉरस की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस, तो अर्थ साइन और फायर साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। विद दिस कार्ड ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपनी लाइफ में, इनको ग्रो करना बहुत पसंद है, ये बहुत कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी न्यू स्किल्स ये गेन करना पसंद करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आई एम ऑल्सो सीइंग कि इस पर्सन ने अपनी कम्युनिकेशन पे भी बहुत वर्क किया है अपनी लाइफ के अंदर, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। इनके लिए मनी मैटर करता है, चाहे ये कोई भी जेंडर हो, कुछ भी हो, इस पर्सन के लिए मनी मैटर करता है। एंड दिस इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन ये है, और स्मार्ट भी है ये पर्सन, काफ़ी स्मार्ट है। मतलब इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप इस पर्सन को बेवकूफ़ बना सकते हो तो दैट्स नॉट पॉसिबल, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वांड्स, समवन हु इज़ रियली सेक्सुअल, बहुत सेक्सुअल वाइब दे रहे हैं पर्सन मुझे। एंड कोई भी चीज़ है तो जल्दी जल्दी चाहिए इस पर्सन को, यू नो, डिसीजन मेकिंग में ये पर्सन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बट हाँ कभी कभी रैश डिसीजंस भी लेते होंगे लाइफ में, यू नो, कि जल्दी से कुछ भी डिसीजन ले लिया और बाद में उस चीज़ को लेके पछतावा हो रहा है, वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है पॉसिबिलिटी। और ये भी चांसेस है दैट दिस पर्सन लव्स ट्रैवलिंग, इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया भी है। एक ऐसे बहुत ही बिंदास टाइप पर्सन ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यू नो, हु जस्ट वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ, जिनको लाइफ अपनी जीनी है, इंजॉय करनी है, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं, यू नो, ड्वेल करना या पास्ट में नहीं रहना है, अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, अपने डिसीजंस खुद से लेने हैं। तो अगर ये चीज़ आप में नहीं है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन कि अपने डिसीजंस खुद से लेने हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके। अगेन, ये पर्सन कोई आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं या लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसी भी कोई चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, काफ़ी सारे प्रोफेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे येलो कलर भी बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे दिखता है कि इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रांग हुआ, अगेन बहुत कॉन्फिडेंट है ये पर्सन अपने आप को लेके। पेंटिकल्स के कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन ये है, हार्ड वर्किंग है, मनी माइंडेड है, नो डाउट, और कोई ख़राबी भी नहीं है उस चीज़ में, वो चीज़ यहाँ पर है। बट दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम सीइंग यहाँ पर कि इफ़ वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सन, आप लोग थोड़े ज़्यादा इस पर्सन के कंपैरेटिवली स्पिरिचुअल हैं, यू नो, आप उन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये भी करते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं। इनके लिए प्रैक्टिकल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी होगा बट इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा है आपके कंपैरेटिवली, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
काफी चांसेस है कि आप इस पर्सन के साथ कहीं घूमने जा सकते हो जहाँ पर बहुत ज्यादा नेचर आपको दिखाई दे, आप नेचर में ही हो, कोई ऐसा रिजॉर्ट हो सकता है या कोई ऐसा फॉरेस्ट जैसा कोई प्लेस है, साउथ में भी हो सकता है कहीं पर भी जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बिकॉज इस पर्सन को कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता होगा। दिस पर्सन इज ऑल्सो अ डॉग लवर, इनको एनिमल्स बहुत पसंद है, डॉग्स भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है कुछ के पास तो पेट भी हो बट येस डॉग्स पसंद है इस पर्सन को। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये जो पर्सन है जो भी इनकी फैमिली के सर्कमस्टेंसेज हो, ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो गए थे। येस ये अभी भी थोड़े से रैश डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं बट इट डजेंट मीन कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये प्रोटेक्टिव पर्सन भी है। अगर आपको कभी कोई कुछ गलत कहेगा तो दिस पर्सन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। थोड़े से ये गुस्से वाले भी हो सकते हैं पर्सन कि सपोज आप दोनों की बातचीत हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, तो थोड़े से स्टबन और शॉर्ट टेम्पर्ड ये पर्सन हो सकते हैं कि वो वाले ट्रेट्स, क्योंकि वो फायर एनर्जी के थ्रू मुझे ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ भी इस पर्सन के अंदर यहाँ पर हो सकती है पॉसिबल। ओके सो लेट मी पुल टू मोर कार्ड्स, दो और कार्ड्स दिखा लेंगे कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट दिस कनेक्शन। थैंक यू स्पेस गाइड्स, ये कनेक्शन इनकी लाइफ में कब आ सकता है, 8 महीने हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, 8 महीने काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है, 7-8 महीने। प्लीज यूनिवर्स, ये कनेक्शन इन लोगों की लाइफ में कब पॉसिबल है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स और 2 ईयर्स भी हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप स्पिरिट गाइड इनको इस कनेक्शन को लेके देना चाहते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स, काफ़ी चांसेस है या तो आप इस पर्सन से अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि स्टार्टिंग में यू विल इन्जॉय एंड हैव फन। आप इस मोटिव से ना मिले कि आपको कुछ स्टेबल ही चाहिए, आप अपनी लाइफ इन्जॉय करें और ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आए, किसी पार्टी किसी इवेंट के थ्रू भी ये पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकते हैं जो इस कार्ड के थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर उस टाइम पर जहाँ पर आप अपनी सिंगल लाइफ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बिकॉज ये लोग जितनी भी रीडिंग देख रहे हैं मुझे मोस्टली सिंगल ही दिखे हैं, कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है ऑफ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इन अ कनेक्शन। अगर येस आप ऑलरेडी ऐसे किसी कनेक्शन में हैं तो हो सकता है कि बीच में ऐसा कोई सेटबैक आया है आपकी लाइफ में, या ऐसा कुछ ना कुछ सेपरेशन हुआ है बीच में, पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की कि आपकी ऐसी लाइफ में कुछ हुआ है, चीज़ें आगे बन सकती हैं इस कनेक्शन में, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक ईगो का इशू है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, तो ईगो की वजह से यहाँ पे क्लैशेज एंड प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस वजह से हो सकता है आप इस कनेक्शन में थोड़ा स्टंग भी महसूस कर रहे हो। बट इट डजेंट मीन कि आपके सोलमेट कनेक्शन नहीं है, डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। बट मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि अगर यहाँ पे कहीं सोलमेट का टैग लगा है तो आप उस कनेक्शन में कितना भी परेशान हो, वो कनेक्शन कितना भी टॉक्सिक है, आप उसमें टिके हुए हो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं तो दिस इज़ योर डेस्टिनी, दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा भी झेल रहे हो तो दैट इज़ योर कार्मिक लेसन्स, कार्मिक लेसन्स के बाहर निकलने का एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। और जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, चाहे वो पर्सन है कोई और चीज़ है, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी। बट अगर आप उसी एनर्जी में स्टक रहोगे तो फिर उसका कोई आगे का रास्ता नहीं है। ओके सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है, 2 कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे थे शुरू में ही। वी हैव द कार्ड ऑफ इमोशंस आर रनिंग हाई, तो मे बी आप इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं और आप इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एंड घूम फिर के बहुत अपसेट हो रहे हैं कि व्हेन विल दिस हैपन इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में कब होगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आएंगे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। और अभी आप ना थोड़ा सा आपके जजमेंट भी इस टाइम थोड़ी सी पुअर या लो हो रखी है, बिकॉज यू आर फीलिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है। बट यूनिवर्स इज़ जस्ट गिविंग मी दिस साइन कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपको बेशक ऐसा लग रहा है कि नहीं इट्स नॉट अ राइट पाथ, बट आई एम सीइंग कि काफ़ी लोग यहाँ पे एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। शो द वर्ल्ड रियल यू, अगेन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर थ्रोट चक्रा, जो आप एक्चुअल में हो लोगों को वो ही दिखाओ, किसी फियर के साथ मत रहो कि अगर आप वो चीज़ दिखाओगे लोगों को तो वो आपको बहुत जज करेंगे और आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपको सिर्फ तब तक जज करेंगे जब तक आप अपने आप को जज कर रहे हो, जिस दिन आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे नो वन विल नेवर जज यू, और करेंगे भी तो आपको 0.1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। Thank you so much, Spirit Guide. What extra message would you like to give it to them regarding to their next connection? You are ready. So definitely you guys are ready. Peaceful resolution. थोड़ा सा यहाँ पे आपको पीस लेके आने की जरूरत है, आप इस पाथ पे हैं, राइट पाथ पर हैं, तो ये रेडी का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हेल्पफुल पीपल, सो येस कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जिनके थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हैं,
और वहाँ पर आपको बहुत यू नो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को फोर्स करना पड़ रहा है, वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पे। ये हेल्पफुल पीपल जो है ये यूनिवर्स के द्वारा ही भेजे गए लोग होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे, जिनके थ्रू यू विल मीट दिस पर्सन। एंड अगेन अगर आप लोग कुछ यू नो इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जानना चाहते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें और एक्यूरेट आती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना बर्थ टाइम पता होना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली कि बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, क्योंकि वो तो बहुत कम लोगों को पता होता है, बट जितना पता है उससे भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, सो इफ यू हैव चोजन द ब्लू लेस अगेन, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम इसी कार्ड के और क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली दिस क्रिस्टल टॉक्स अबाउट दैट, ये थ्रोट चक्रा को दिखाता है, स्पेशली जो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात को कह नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वहाँ पर ये क्रिस्टल जो है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम भी होता है। तो बेसिकली दिस कार्ड टॉक्स अबाउट दैट, बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक विद अदर पीपल, जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करिए। यहाँ पर इट्स रियली नेसेसरी कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को लोगों को एक्सप्रेस करिए, जो भी आप फील करते हैं। एंड इस चीज के लिए को आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है दैट यू गाइज आर सेंसिटिव, आप लोग सेंसिटिव हैं, और यहाँ पर इस चीज से आपको परे नहीं हटना। यू डोंट हैव टू हेट योर सेल्फ। आप ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव थिंकिंग करके जो अपने आप को हेट कर रहे हो, अपनी ट्रेट्स को लेके, एबिलिटीज को लेके, वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। बिकॉज दिस कार्ड टॉक्स अबाउट दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ, आपको अपने आप से लव करना है, और साथ ही साथ क्लियरली कॉम्युनिकेट करना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, उस बारे में कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है। अगर आपको एक मिलता है क्रिस्टल ऑनलाइन, सो डेफिनेटली यू कैन बाय दैट, बट स्टिल अभी मैं वो आपको नहीं कहूंगी। लेट्स सी कि व्हाट इज योर नेक्स्ट रिलेशनशिप और क्या क्या हमें एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देने वाली है। सो अगर आप लोग मेरा यू नो पास्ट वाला कुछ वीडियो देखेंगे या भी कोई पीछे वाला पाइल पे देखेंगे, तो यू विल सी कि कभी भी जो कार्ड्स है या रीडिंग से सेम नहीं होती है। सो मैं किसी मोटिव के साथ यहाँ पे रीडिंग नहीं करती हूँ। यस, एक टॉपिक है कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होगा, इसके बाद जो जो कार्ड्स में मुझे दिखाई देगा वो मैं आपको सब कुछ यहाँ पर शेयर करूंगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द कार्ड्स। कुछ कार्ड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाले हैं, पहले उनसे शुरू कर लेते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, पेशेंस की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है पाइल नंबर टू। आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि यहाँ पे पेशेंस की बहुत जरूरत है। एंड इफ यू कैन नोटिस, मैं बहुत सारे वर्ड्स अभी बीच में यू नो रुक रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। सो कम्युनिकेशन यहाँ पे एक ठीक करने की जरूरत है, और साथ ही साथ यहाँ पे पेशेंस की भी काफी जरूरत है। ओके, ये तीन कार्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पर आए हैं। लेट मी स्टार्ट विद द फ्रेंडशिप वन। Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So basically ये कार्ड मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता है कि इट्स रियली नेसेसरी कि आप अपने पर्सन के साथ अपनी चीज़ों को कॉम्युनिकेट करें, अगर आप रिलेशनशिप में है या नहीं है। बट अगेन इट्स अ टॉपिक ऑफ नेक्स्ट रिलेशनशिप। सो आई एम श्योर यहाँ पे काफी लोग जो होंगे वो अभी सिंगल है या अभी किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं। ओके, इफ यू आर वेटिंग फॉर द समवन फ्रॉम द पास्ट, देयर आर हाईली चांसेस कि आप इन फ्यूचर आगे मूव करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज वॉट आई एम गेटिंग थ्रू दीज कार्ड्स। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, सो आफ्टर दैट वॉट आई एम सींग ओवर हेयर इज दैट विद द कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। फ्रेंडशिप की कार्ड से तो देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे यही नजर आ रहा है कि इन योर रिलेशनशिप इट्स रियली नेसेसरी टू हैव अ फ्रेंडशिप बॉन्ड। आपके रिलेशनशिप में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा सा बात आगे से कर रही हूँ, बिकॉज बीच में फोन की बैटरी भी ऑफ हो गई थी। सो या विद दिस फ्रेंडशिप कार्ड, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग कि आपके रिलेशनशिप में एक फ्रेंडशिप होना यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अपने आप को यू नो फ्रीली आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाए, वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक जॉयफुल एनर्जी हो गई, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी हो गई, वो सारी चीज़ें ना आपकी रिलेशनशिप को बहुत ब्लॉसम करेंगी, बहुत अच्छा बनाएंगी। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे इस कार्ड के थ्रू आ रही है। विद द कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर,
मे बी आप लोग काफी टाइम से सिंगल है और आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन बिल्डअप क्यों नहीं हो पा रहा है या चीजें क्यों नहीं बन पा रही है. बट कभी कभी यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, कैसी भी चल रही है, किसी के साथ भी चल रही है, अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए तो वहां पर आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जितना ज्यादा आप उस चीज से दूर भागने की कोशिश करोगे कि आपको यू नो इनर पीस मिले, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. एक्सेप्टेंस यहाँ बहुत जरूरी है. देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. अगर इफ यू आर ट्राइंग और प्लानिंग कि यू नो चीजें आपके हिसाब से चलें या ऐसा हो या अब ऐसा हो, तो वो यहाँ पे मुझे होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है. बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. डिवाइन टाइम मीन्स कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए एक स्टेज सोच रखी है कि इस स्टेज पे आपको ये चीज आपके लिए ठीक है या ये चीज ठीक है, वो अभी आपकी लव लाइफ में तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आ रही है. यहाँ पे विद दिस कार्ड ऑफ लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. अपने आप से पूछो कि आप अभी इस टाइम ऐसा फील क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर फीलिंग सो सैड या व्हाई आर यू फीलिंग सो एंशियस अबाउट योर लव लाइफ. ये चीजें आपको क्यों फील हो रही हैं, एंड यू विल सी आपको डीप डाउन इसी के अंदर ही अपने आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे. क्या आप चीजों को लेके बहुत जल्दी मचा रहे हो, या आप सोसाइटी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, या किसी पर्सन से कंपेयर कर रहे हो, किसी एज फैक्टर की वजह से आप ये सारी चीजें सोच रहे हो. इट कैन बी एनीथिंग. ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि आपने उनको दिया है बट मुझे क्यों नहीं दिया यूनिवर्स, समथिंग लाइक दैट. दिस इज योर ईगो पाइल नंबर टू. ये आपका ईगो है बिकॉज डीप डाउन आपका जो सोल है वो जानता है कि यूनिवर्स आपसे कुछ छीन नहीं रही है, आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है, आपको एक्सपैंड करने में बहुत हेल्प कर रही है. एंड यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप आपसे दूर नहीं है, ये सिर्फ आपका ईगो जो है ये फियर क्रिएट कर रहा है. रियलिटी में आपका जो सोल है वो जानता है कि ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद योर रिलेशनशिप. पहले एक कार्ड निकाल के देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप की. थैंक यू यूनिवर्स, इनकी लाइफ में जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आने वाला है, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेज. या तो शनि की दशा चल रही है, कुछ ना कुछ शनि का रोल है. शनि या तो सातवें घर में बैठा है या तो एस्पेक्ट कर रहा है उसको. शनि की महादशा, अंतरदशा या साढ़े सती शनि, कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है. या आप लोग कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं यहाँ पे, एक्वेरियस हो सकते हैं. ऐसी यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. एंड शनि का यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है कि शनि आपको लाइफ में ना बहुत मेच्योर एंड प्रैक्टिकल बनाएगा, स्पेशली इन योर लव लाइफ. तो जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आने वाला है काफी एक मेच्योर कनेक्शन होगा, एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप भी होगा वो, जहां पर आपको लाइफ में यू नो एक लॉन्ग टर्म का रास्ता भी दिखाई देगा. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ जुपिटर रिटर्न्स. सेकेंड हाउस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपका हो सकता है सेकेंड हाउस में जुपिटर यहाँ पर हो. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो जुपिटर का कार्ड आया है, पहली बात तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है. बहुत यू नो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल प्लैनेट. जुपिटर बहुत बेनिफिशियल प्लैनेट होता है, और फीमेल के चार्ट में हस्बैंड को देखने के लिए जुपिटर को भी देखा जाता है. तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये यहाँ पे. एंड दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि जो नेक्स्ट कनेक्शन आपका बनेगा बहुत ही विजडम होगा उस कनेक्शन में. आप बहुत वाइज बनोगे, बहुत मैच्योर बनोगे उस कनेक्शन के थ्रू, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मुझे सैटर्न बहुत स्ट्रांग फील हुआ है और जुपिटर यहाँ पर आ गया है. तो ये भी हो सकता है कि आपके जुपिटर की महादशा चल रही हो और उसके अंदर साढ़े सती शनि चल रहा हो या शनि की अंतरदशा हो. इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट. जुपिटर इज ऑल्सो गिविंग मी दिस मैसेज कि नेक्स्ट कनेक्शन आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है किसी भी तरीके से, बट नेक्स्ट कनेक्शन आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा लकी रहने वाला है. रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी बिकॉज ऑफ दैट पर्सन. उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है. आप में से कुछ लोग कुछ हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं या कुछ हायर नॉलेज गेन कर सकते हैं या और यू नो ज्यादा पढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में किसी भी टॉपिक को लेके. इट कैन बी पॉसिबल. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी पॉसिबल यहाँ पर हो सकती है कि आप यू नो कहीं बाहर जा रहे हैं, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है जो मुझे फील हो रहा है. इट्स ऑल्सो गिविंग मी द एनर्जी ऑफ हीलिंग. एक हीलिंग एनर्जी भी आ रही है, या तो आप मेडिकल फील्ड में है या ये पर्सन आपको मेडिकल फील्ड के थ्रू मिल सकते हैं या मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है. या फिर यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग हीलिंग एनर्जी है. तो हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है दैट बिफोर मीटिंग दिस पर्सन
अभी आप जिस फेज में हैं, आप एक हीलिंग फेज में हैं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा अगर आपको ये खुद से भी चीज फील हो रही है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जर्नी जहां पर आपकी एक सेल्फ लव जर्नी चल रही है। आप में से काफी लोगों ने या तो नया नया मेडिटेशन स्टार्ट किया है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज स्टार्ट करी है, इट कैन बी योगा एज वेल, कुछ ना कुछ अपने लाइफस्टाइल में आप चेंज भी लेके आए हो, वो भी पॉसिबल है। काफी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग किसी ब्रेकअप के थ्रू भी अभी रिसेंटली गुजरे हैं या फिर उस चीज से अभी भी हील हो रहे हैं, इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल काफी लोगों के लिए यहाँ पे। लेट मी सी विद अदर टैरो कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू सो मच, हेल्प मी टू हेल्प देम टू गाइड देम टू हील देम, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप, टू ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन आपके लाइफ में अचानक आएंगे, मीन्स कि आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब ये पर्सन आएंगे, या फिर आप स्टार्टिंग में इस पर्सन को बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर कुछ चल पाएगा, इट्स समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, काफी चीजें स्टार्टिंग में आपको लाइक अभी भी आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग दैट यू गाइज आर फीलिंग रियली कन्फ्यूज इन योर लव लाइफ, आप बहुत कन्फ्यूज हैं, आप में से काफी लोग अपने पास्ट में भी स्टक हैं, और ये जो कन्फ्यूजन है वो इसलिए भी हो सकते हैं कि आपका पास्ट का कोई कनेक्शन अच्छा नहीं रहा, उसी बेसिस पे आप अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को जज कर रहे हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ नहीं बन पाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है चीज, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एट ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन, दिस एनर्जी दैट इस कनेक्शन के पहले की मुझे एनर्जी आ रही है, इस कनेक्शन के अंदर की एनर्जी नहीं आ रही है, कि ये जब पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उस टाइम आपके पास ये पर्सन सामने अगर होंगे भी तो बहुत ज्यादा यू वॉन्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि यही आपके पर्सन है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। या 7 of cups, कन्फ्यूजन आपको रह सकती है, हो सकता है या तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हो उसमें से एक पर्सन पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, या फिर जैसे आपने हमेशा आज तक लोगों को डेट किया है, जो भी आपके माइंड में जिस तरीके के पर्सन आपने सोचा है, ये पर्सन उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, बिल्कुल डिफरेंट, लाइक आपने नहीं सोचा होगा कि कभी आप इस तरीके के पर्सन को डेट करेंगे, इट कैन बी लाइक दैट, आई एम रियली श्योर अबाउट इट, इट कैन बी लाइक दैट। आपके पर्सन सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, चांसेस है, कैंसर या स्कॉर्पियो या पाइसिस भी हो सकते हैं, उस चीज के भी काफी चांसेस है। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को काफी फॉलो करते हैं, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इंट्यूशन के बेसिस पे अपनी लाइफ में चलते हैं, काफी इंट्यूटिव पर्सन है ये, जो भी जिनके साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने वाले हो, बहुत इंट्यूटिव है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। बहुत क्रिएटिव सोल भी है, इनका मर्करी काफी अच्छा हो सकता है, हो सकता है देखने में पर्सन काफी यंग लगते हो और आईज इनकी बहुत स्पार्कलिंग आईज होगी, आंखें बहुत सुंदर होंगी इस पर्सन की, या फिर इनके फीचर्स जो होंगे ना वो थोड़े से बच्चों वाले आपको लगेंगे, या आपको लगेगा कि काफी यंग लगते हैं, या फिर इनकी एनर्जी ऐसी यंग वाली एनर्जी हो सकती है, बिकॉज एक मर्करी एंड मर्करी इज अ प्रिंस, तो उस तरीके की यहाँ पे एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। वाओ एम्परर, यू वॉन्ट बिलीव, ये मुझे अभी बॉटम ऑफ द डेक भी निकला था बट स्टिल मैंने इग्नोर किया, एंड एज यू कैन सी इट्स ओवर हियर, सो द वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर। ओके, सो विद दिस कार्ड ऑफ एम्परर व्हाट आई एम सीइंग, द पर्सन दैट यू विल हैव इन अ रिलेशनशिप नेक्स्ट, जो भी ये पर्सन होंगे, सबसे पहली बात तो दोनों आप काफी हाई मैच्योर लेवल पे मुझे दिखाई दे रहे हो, आप में से कुछ लोग 28+ एज के भी हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द एम्परर कार्ड इज ऑल्सो गिविंग मी दिस वाइब, हो सकता है आप इस पर्सन से वर्क प्लेस पे मिलो, किसी घर के बड़े बुजुर्ग की मदद से मिलो, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि कोई पर्सन ऐसा है, वर्क के चांसेस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। अदरवाइज दिस इज समवन जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है, नो मैटर ये अपनी लाइफ में क्या करते हैं, डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव पर्सन है, इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का। एरीज वाइब यहाँ से आ रही है, बट अगेन मुझे सैटर्न की वाइब्स भी दे रहा है, तो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस वाइब्स भी है, सीरियस पर्सन होंगे थोड़े से, लेकिन एट द सेम टाइम एक वो मर्करी वाला चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी भी होगी, तो करियर में हो सकता है काफी ज्यादा सीरियस हो चीजों को लेके, पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर कि जब फन करने का टाइम है तो ये पर्सन इंजॉय करते हैं लाइफ को, बट जब सीरियस होने का टाइम है तो काफी सीरियस है ये पर्सन, उस तरीके के पर्सन है, तो मुझे ये बहुत ही बैलेंस्ड इंडिविजुअल लग रहे हैं। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत चैलेंजेस देखे, हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में फाइनेंशियल लेवल पे बहुत चैलेंजेस लाइफ में या तो देखे हो, या फिर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे इनके हुआ है कि इन्होंने अपनी लाइफ में
उन चैलेंजेस को फेस करके अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़े हैं। उस तरीके की यहाँ पे इस पर्सन की मुझे एनर्जी फील हो रही है। काफी चांसेस हैं इफ यू गाइज आर फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर नहीं भी है तो भी मुझे यहाँ फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे ज्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे या आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टीरियस लगेगी। बहुत क्यूरियस होंगे ये पर्सन आपको देखिए कि आप में ऐसा क्या है, जैसे कि होता है ना एक अट्रैक्शन होगा इस पर्सन को आपकी तरफ, तो ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे चीजों को ना और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि आप या ये पर्सन, मुझे एक एक विजन आया है कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर कर रहे हैं आपस में, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपके काफी अच्छे दोस्त हैं। ओके, कुछ लोग लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोग लिए पर्सन काफी अच्छे दोस्त हैं। इन फ्यूचर ये पर्सन आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, चाहे ये अभी आपकी लाइफ में है या नहीं है, बहुत अच्छी ये गाइडेंस आपको लाइफ में प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये पर्सन ना स्पिरिचुअल लेवल पे आपसे थोड़ा आगे है। आगे इन द सेंस कि ये चीजों को ना एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं, छोटे छोटे टेम्परेरी इश्यूज को लेके पर्सन बहुत परेशान नहीं होते, बिगर पिक्चर से देखते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा है। पार्ट नंबर टू, बहुत सीरियस एनर्जी आ रही है कि पर्सन जॉयफुल है, लवली है, पर्सन बहुत नर्चरिंग भी है, केयरिंग भी है, बट सीरियस भी है, क्योंकि लाइफ में काफी कुछ सिखाया है सैटर्न ने इस पर्सन को, या शनि की एनर्जी है तो सैटर्न ने काफी कुछ सिखाया है और जुपिटर ऑब्वियसली यहाँ पर है, तो अब काफी बेनिफिट्स लाइफ में मिलने वाले हैं, वो चीज भी यहाँ पर एक स्ट्रांग आ रही है, काफी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलने वाली है। ओके, लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स प्लीज यूनिवर्स। पायल नंबर टू के नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में हमें बताइए, इस पर्सन से कम मिल सकते हैं जो भी एनर्जी है। वाओ, कैन यू सी दैट, तीन मेजर अरकानास। एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, पायल नंबर टू, यू गाइज आर ओल्ड सोल, बहुत ओल्ड सोल हैं आप लोग, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस वेरी इंटेंस हैवी एनर्जी ऑफ द पास्ट, कि आप बहुत लाइफ टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर कनेक्शन, बहुत मेजर कनेक्शन ये आपकी लाइफ का बनेगा। इफ़ यू गाइज आर सेपरेटेड और डिवोर्स्ड, अगर आप लोग सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं, तो भी आई एम सीइंग कि ये डेस्टाइंड कनेक्शन आपकी लाइफ में जरूर आएगा और एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड कार्ड है एंड यू कैन सी, ये कार्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं, तीन मेजर अरकानास, एक ऑलरेडी रखा है, तो बहुत ही मेजर कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। आपका बहुत स्ट्रांग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ चीजें रह गई हैं जो पास्ट में आपने इस पर्सन के साथ नहीं सीखी है, इस पर्सन ने आपके साथ नहीं सीखी, जो आपको इस लाइफ में कंटिन्यू करनी है। स्टार कार्ड टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ हीलिंग, बहुत हीलिंग है यहाँ पे। वर्ल्ड कार्ड मुझे दिखा रहा है कि यू विल कंप्लीट दैट साइकिल, जो पास्ट लाइफ में चीजें नहीं हो पाई वो इस लाइफ टाइम में आप दोनों खत्म करोगे। आप लोगों का कुछ लाइफ पर्पस भी हो सकता है दोनों का मिलके, इट कैन बी एनीथिंग, कोई काम हो गया या फिर इवन पेरेंटिंग करना, अपने बच्चों को पालना भी एक लाइफ पर्पस होता है, कुछ भी ऐसी चीज यहाँ पर हो सकती है। विद दिस कार्ड ऑफ मैजिशियन, वाओ, इस पर्सन के आने से बहुत मेजर 360 डिग्री का शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, एक बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है यहाँ पर, जो आपने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। अगेन, ये पर्सन आपकी सोच से बहुत डिफरेंट है, जो आपने जिन लोगों से अपनी लाइफ में डील किया है उससे ये पर्सन बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और इनके आने से लाइक आई एम सीइंग कि जो चीजें आपने अपनी लाइफ की ना पहले एक्सप्लोर नहीं करे थे, अपने खुद के पार्ट्स को आपने जो पहले एक्सप्लोर नहीं किया था अपने आप को, वो आप इस पर्सन के साथ करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज समवन हु इज रियली एडवेंचरस। वो आपको लाइफ का वो आउटलुक देंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, जो परसेप्शन देंगे वो आपको लाइफ का, कि लाइफ इस तरीके से भी हो सकती है, वो आपने पहले कभी नहीं सोचा है, जो आपको इस पर्सन के आने से मिलेगी। सो बहुत स्ट्रांग एक डिवाइन कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है ये आपकी लाइफ का, जो पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ यहाँ पे काफी स्ट्रांग आ रही है, वेरी स्ट्रांग पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, दिस इज रियली, आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट, बट ये एक ऐसा कनेक्शन है जो लाइक बहुत सालों से, बहुत पास्ट लाइफ से रहा है, जैसे कि आप बहुत सारी पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ रहे हैं, अलग अलग रोल प्ले किए हैं आपने, कभी हो सकता है कि ये फीमेल थे, आप मेल थे, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी रोल हो सकता है, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में काफी टाइम रहे हैं। ये पर्सन जितना आपको जानते होंगे ना,
आपको कोई नहीं समझ पाएगा। इवन आप जितना इस पर्सन को समझोगे, कोई और इस पर्सन को उतना नहीं समझ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट कन्फ्लिक्ट हो सकता है बिकॉज वो सारे कनेक्शंस में होता है, बट यहाँ पे वो जो इंटेंसिटी है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को जानने की, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो हाँ काफ़ी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आप मिलते उस पर्सन को पहचान लें। बहुत बार यूनिवर्स ऐसे खेल खेलती है जहाँ पर शुरू में उनको समझना मुश्किल हो जाता है। यस, वो चीज़ है। इस पर्सन के साथ हो सकता है कि जहाँ आप करेंटली हैं वहाँ से कहीं और मूव कर सकते हैं, किसी और जगह में जा सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल आप जिएंगे जब आप ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। दिस विल बी अ वेरी टोटली डिफरेंट, जो आप अभी अपनी लाइफ में जी रहे हैं, जो भी अपनी फैमिली के साथ है, जो भी लाइफस्टाइल चल रहा है, ये उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली कार्ड्स आर रियली स्ट्रांग ओवर हियर। एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगा जस्ट टू सी ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आएंगे। प्लीज यूनिवर्स, we again have major arcanas. this is really amazing, pile number 2. This is really amazing. Please मुझे comment section box के through जरूर बताइएगा अगर ये आपसे reading match कर रही है। मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत reading करती हूँ, but हाँ इतने strong cards कभी नहीं निकलते हैं या इतनी strong feelings कभी नहीं आती हैं। जस्टिस का कार्ड मुझे दिखाता है कुछ लोग के लिए 10 months हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग। 10 months यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 months हो सकता है, या इट कैन बी मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा भी। बट द थिंग दैट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड, आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम क्यों नहीं बता रही। इट्स अ जर्नल रीडिंग, काफ़ी कुछ यहाँ पे एनर्जीज होती है तो मुश्किल हो जाता है वो बताना, बट अगेन इट्स अ डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दे रही है इस कार्ड के थ्रू मुझे यहाँ पे। एक जस्टिस जैसा आपको फील होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, और आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि ये बिल्कुल लवी डवी कनेक्शन नहीं होगा, कि आपको लग रहा है ये सब कुछ बहुत रोमांटिक होगा, सब कुछ बहुत अमेजिंग होगा। नहीं, ये प्रैक्टिकल रिलेशनशिप भी होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, मैच्योर तरीके से होगा। इस कनेक्शन के थ्रू आप काफ़ी मैच्योरिटी गेन करोगे, बहुत विजडम गेन करोगे। ये आपको लाइफ में ग्रो करने में, स्टेबल बनने में हेल्प करेगा, अंदर से इमोशनली स्टेबल करने में, मैच्योर होने में ये कनेक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा। किस तरीके से रिलेशनशिप के साथ डील किया जाता है या प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है, उस बारे में ये कनेक्शन ही आपको आपकी लाइफ में सिखाएगा। कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रखे हैं। We have the card meditate and contemplate. So again, it's a very strong past life connection. तो आप में से काफी लोग अगर मेडिटेट करते हैं तो उसके थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस कनेक्शन को लेके मिल सकती है। तो मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट की सोच विचार यहाँ पर करना है, बैलेंस करनी है चीजों को। इफ यू रियली यू नो वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस कनेक्शन एंड स्पेशली अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर जितना आप अपने आप को समझोगे उतना ही इस पर्सन की तरफ यू नो आप जा पाओगे या बढ़ पाओगे, ये पर्सन आपकी तरफ आ पाएंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सो इफ यू आर थिंकिंग दैट लव डजेंट एग्जिस्ट या ये चीज नहीं हो पाएगी आपके लाइफ में, कोई नहीं आ पाएगा, तो दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन इम्पॉसिबल कि ये पर्सन कहीं से भी आ सकते हैं। एंड फॉर यू गाइज आई रियली वॉन्ट टू गिव यू दिस एडवाइस, एक पर्टिकुलर माइंड सेट मत बनाओ किसी पर्सन को लेके कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए या इसी कास्ट का या कल्चर का होना चाहिए, ऐसी ही अपीयरेंस होनी चाहिए। फोकस करो जो इनर चीज़ें होती हैं, यू नो कि जिस पर्सन के साथ आप इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो पा रहे हो, वो पर्सन आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, आप उस पर्सन के लिए एफर्ट ले रहे हो, नो मैटर वॉट कि वो क्या करते हैं या आप क्या करते हो, वो कैसे दिखते हैं या आप कैसे दिखते हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हो, ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी, सबसे पहले तो अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हो, कंफ्यूज हो, अपने आप को लेके यू नो काफी नेगेटिव थिंकिंग चल रही हो, उसी से आप बाहर निकल पाओगे। एट द सेम टाइम आप काफी लोगों से कनेक्ट कर पाओगे और फिर इस पर्सन से भी मिल पाओगे। चलिए एंजल आंसर कार्ड के थ्रू देख लेते हैं। एंड इफ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग फ्रेंड्स, अगर आप और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर ऊपर मेंशन है, आपको नीचे भी दिखाई दे जाएगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी जहां पर आप और कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बट येस, देयर इज वन थिंग दैट इज नेसेसरी फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, उसके लिए आपका बर्थ टाइम होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट एक्यूरेट हो, कि आपको सेकंड्स पूरे पता हो या बिल्कुल मिनट्स पता हो, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी और क्लियर आपको आंसर देने में।
बी असर्टिव, यू हैव टू बी क्लियर आपको लाइफ में क्या चाहिए. तो बिलीव इन इम्पॉसिबल. अगर आप लोग किसी फियर में जी रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यू नो, दूसरों के कहने पे चल रहे हैं, जबकि डीप डाउन आपको पता है कि आप इन चीजों में सेटल नहीं हो पा रहे हो, बिकॉज मुझे लग भी नहीं रहा कि आप सेटल हो पा रहे हो. तो बी असर्टिव, इट इज नेसेसरी फॉर यू. अगर आपको अभी भी मीनिंग समझ नहीं आया तो आप गूगल करके देख सकते हैं. यहाँ पर कॉन्फिडेंट होना अपने आप को लेके, अपनी चीजों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट स्टॉप. यस, यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आप रुको, यूनिवर्स चाहती है कि आप आगे बढ़ो. कुछ भी जो आपने सपना देखा है, जो भी आपके अंदर एक होप है, फेथ है लव को लेके, उसको दबाओ मत. कोई फायदा नहीं है उस चीज को दबाने का कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपका वाला है वो आपको मिलेगा ही नहीं. दैट्स नॉट ट्रू. ये बहुत अमेजिंग कनेक्शन रहेगा आपकी लाइफ का अब तक, और बहुत बड़ा चेंज, मेजर शिफ्ट ये आपके लाइफ में लेके आएगा कनेक्शन. सो आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपने बहुत कनेक्टेड फील किया हो इस रीडिंग के साथ. सो डू लेट मी नो एवरीथिंग अबाउट इट थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर. हेलो मैं ब्यूटीफुल लवली सोल्स. तो जिन भी लोगों ने रोडोक्रॉस साइट का कार्ड चूज किया है, क्रिस्टल चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली दिस कार्ड जो है ये टॉक अबाउट मे बी यू गाइज आर फीलिंग अनलव्ड एंड अनएप्रिशिएटेड. आप अपनी लाइफ में हो सकता है या तो कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस पास्ट में रही है जहां पर आपको ऐसा लगा है कि किसी ने आपको मिस यूज किया है, या आपकी सेक्शुअल पावर्स को यूज किया है, या आपको लव नहीं मिला या अप्रिसिएशन नहीं मिला है. बिकॉज दिस कार्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट कि कुछ इमोशंस हैं जो आपने दबा के रखे हुए हैं अपने हार्ट के अंदर, जो इमोशंस को आप डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन योर लाइफ. हो सकता है आपको करियर में भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आ रही हो इस वजह से. बिकॉज बेसिकली ये जो कार्ड है, ये क्रिस्टल है, ये बात करता है दैट यू आर ब्लॉकिंग योर पाथ. आप अपने आगे का रास्ता खुद से ब्लॉक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, बिकॉज यू आर डिनाइंग दोज इमोशंस. So now it's a really high time to accept yourself, to accept your emotions and to love yourself. Love, compassion or forgiveness. माफ करें अपने आप को और सामने वाले इंसान को भी. और यहाँ compassion दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, because I am just feeling like that you guys are repeating some kind of a pattern in your life. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक पैटर्न जो है वो चल रहा है काफी टाइम से, और उसका रीजन यही है कि उसकी शुरुआत आपसे ही हो रही है. आप उस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर इनर इमोशंस. तो वहां पर बहुत जरूरत है काम करने की. ओके, सो लेट मी सी विद अदर कार्ड्स एज वेल. कुछ कार्ड्स पहले से ही निकाले हैं. वी हैव द कार्ड ऑफ बी वेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ प्रोसेस. Equally so, the quality you don't like are also your reflection. Okay, so there are chances that currently you are meeting those kind of a people जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बन नहीं पा रही उनसे, या आपको उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, या उनका नेचर अच्छा नहीं लग रहा. बट डीप डाउन अगर आप थोड़ा सोच विचार करेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर भी है, जिस वजह से यू आर अट्रैक्टिंग दीज काइंड ऑफ पीपल इन टू योर लाइफ. ओके, सो दिस इज वॉट आई एम सीइंग. इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन एंड यू आर सीइंग कि यू नो ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं, तो वहां पर भी आई एम सीइंग दिस थिंग कि आप किसी कनेक्शन में हो जहां पर आपको बहुत ट्रिगरिंग वो कनेक्शन लग रहा है. मीन्स कि बहुत गुस्सा हो जाते हो आप, या बहुत अप एंड डाउन उस कनेक्शन में चल रही है. द रीजन बिग फॉर दैट इज कि कहीं ना कहीं आप दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की जो क्वालिटीज है उसको, मिररिंग हो रही है यहाँ पे, यू नो, कि किसी ने आगे ऐसे शीशा रख दिया है. तो जब भी आगे शीशा होता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो जो चीजें हमें अपने अंदर भी दिखाई दे रही है वही चीज यहाँ पर आ रही है. सो आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रांग डीप 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 हीलिंग ओवर हियर. वी हैव द कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस. स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट. यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन. सो मे बी यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन योर पास्ट. आप अपने पास्ट में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और उसके हिसाब से ही आप अपने आप को भी जज कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज आपको लग रहा है कि जैसे पास्ट में हुआ है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके, लॉजिक लगा के अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं. बट एक्चुअली यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम. यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी. अगर आप उस पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाओगे कि हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इट विल नॉट रिपीट इट सेल्फ बिकॉज मैंने वो लेसन लर्न कर लिया है. ओके, तो यू विल सी कि शिफ्ट कितनी जल्दी आता है लाइफ में. ओके,
सो देन वी हैव दीज ब्यूटिफुल कार्ड्स ओवर हियर, कायरन हीलिंग. ऑल्दो ये कार्ड मैंने अलग अलग निकाले हैं, बट यस काफी मैच कर रहे हैं कार्ड एक दूसरे से. कायरन हीलिंग का कार्ड अगेन यहाँ पे बात करता है दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ बिफोर कमिंग इन टू अ कनेक्शन, बिकॉज कायरन यहाँ पर दिखाता है कि कोई ऐसा इंसान जो दूसरों की हीलिंग कर रहा है बट एक अपनी हीलिंग नहीं कर रहा. सो यू ऑल्सो नीड टू हील योर सेल्फ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने आप को हील करें. आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पर हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा भी यहाँ पर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे साइन हैं, बट मैं एनर्जीज आपको बता रही हूँ. तो सिर्फ ये देख के इस वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा कि आपका जोडियक यहाँ पे नहीं आया, बिकॉज यहाँ मून साइन, लग्न साइन, काफी कुछ होता है. सो यस, विद दिस कार्ड ऑफ कायरन एंड विद दिस नंबर 8, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जहां पर इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू बैलेंस योर इमोशंस, बट वो आपको करना पड़ेगा. अगर आप भागते रहोगे अपने इमोशन से, उनको अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, तो आगे की चीज नहीं बन पाएगी. इफ यू आर जस्ट थिंकिंग कि पास्ट के जो इमोशंस हैं उनको साइड कर लो और आगे देखो, अपना धीरे धीरे वो हील हो जाएगा कनेक्शन के थ्रू. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. दूसरे कनेक्शन में होता होगा, बट यहाँ अगर आप इस पाइल को देख रहे हैं, ये पाइल आपसे मैच कर रहा है, तो पाइल नंबर 3, यहाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है. यू नीड टू हील योर सेल्फ, अदरवाइज आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको पास्ट की चीजें ही याद दिलाएंगे. देन वी हैव द कार्ड ऑफ ब्लैक मून लिलिथ मिस्ट्री. दिस कार्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट आपको अपनी लाइफ बहुत मिस्टीरियस लग रही है. आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं है. यू आर फीलिंग सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, बिकॉज दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि बहुत जगह आपको ऐसा अंधेरा जैसा फील हो रहा है, यू नो. बट यहाँ पर इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, और अपने ऊपर विश्वास रखने का मतलब है हैव फेथ इन यूनिवर्स. व्हेन यू विल हैव दिस फेथ इन यूनिवर्स, यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस, यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लव लाइफ. चलिए अब शुरू करते हैं हमारी जो मेन कहानी है, दैट इज आवर टैरो कार्ड्स, कि क्या है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप. थैंक यू सो मच. पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, विष्णु जी प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम टू गाइड देम टू हील देम. प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप. इनके नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में हमें बताइए. पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, वाओ, हीलिंग, अगेन हीलिंग. हीलिंग इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग. चैरियट, दो मेजर अकानस के यहाँ पे कार्ड आए हैं, तीन मेजर अकानस के कार्ड आए हैं. ओके, ये कार्ड जो है वो यहाँ निकल गया है, मून. ओ माय गॉड, वी हैव 4 मेजर अकानस ओवर हियर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स. इस कनेक्शन में आने से पहले आई एम सीइंग कि आपको किसी जगह से आगे मूव करना पड़ेगा. आप किसी चीज को छोड़ के आगे मूव कर रहे हैं. ये कोई पर्सन हो सकता है, इट कैन बी अ सिचुएशन, इट कैन बी एनीथिंग. ये पास्ट की एनर्जी भी है जो यूनिवर्स चाहती है कि आप छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े. इन दिस कनेक्शन विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी चैटिंग मैसेजेस पे काफी बातचीत हो सकती है इस पर्सन से. स्टार्टिंग में जो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, एंड स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन आप लोगों की काफी ज्यादा होगी, ये भी चीज मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है. विद दिस स्टार कार्ड अगेन हीलिंग होगी इस कनेक्शन से, बट येस बिफोर दैट यू ऑल्सो नीड टू हील योर सेल्फ, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है. विद दिस कार्ड ऑफ चैरियट, इस पर्सन के आने से आपको ना लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट, ये चीज आपको पसंद है, ये चीज आपको पसंद नहीं है. एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट, डेथ एंड रीबर्थ. तो अगर आप पास्ट के वो जो पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, ऑल दो इस पर्सन के आने से पहले आप काफी कुछ खत्म करेंगे, बट इनके आने के टाइम पर भी सारी चीजें वो मुझे यहाँ पर एंड होती हुई दिखाई दे रही है. विद दिस कार्ड ऑफ मून, आई एम फीलिंग कि ये कनेक्शन भी आपको काफी शुरू में मिस्टीरियस ही लगेगा. आपको मे बी यू आर फ्रॉम दोज पीपल कि आपको लगता है कि शुरू में ही आपको पता चल जाए कि क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट इस कनेक्शन में वो चीज आपको शुरू में समझ में नहीं आएगी. तो आपके लिए काफी इल्यूजन वाली चीज रहेगी. मून वाली कार्ड पे यहाँ पर एनर्जी है, वो वाली चीज यहाँ पर रहेगी. तो यू हैव टू जस्ट यू नो गो विद योर ओन इंट्यूशन. आपको अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा इस कनेक्शन के अंदर. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज टेल मी अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप. किंग ऑफ कप्स, वाओ, द पर्सन दैट यू आर गोइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, बहुत ही इमोशनली मैच्योर और स्टेबल पर्सन ये होंगे यहाँ पर. वाओ, दिस इज रियली नाइस. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि इस कनेक्शन में ये पर्सन आपको काफी गिफ्ट्स देने वाले हैं. काफी आप एक दूसरे को यहाँ पर गिफ्ट्स देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एक पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बहुत इमोशनली मैच्योर पर्सन है, और दूसरा पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली सोचेगा, जो मुझे आपकी एनर्जी आ रही है. बिकॉज
बिकॉज ऑफ योर पास्ट आपको चीजें बहुत क्लियर क्लियर चाहिए होंगी, बट फिर भी कनेक्शन में ऐसा आपको लगेगा कि यू नो आप इतनी भी कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो एग्जैक्ट आपको सब कुछ नहीं दिखाई देगा. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ फोर ऑफ कप्स, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए तोहफा है. एंड यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है दैट यू आर नॉट वेरी ग्रेटफुल इन योर लाइफ फॉर द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव. जो चीजें आपके पास ऑलरेडी लाइफ में है, बहुत ज्यादा उन चीजों को लेकर आप ग्रेटफुल नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कुछ नया आता भी है आप उसको देख नहीं पाते हैं. यू नो कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आती है तो भी वो आपको नेगेटिव ही लगती है, उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं देती है. बट आई एम सीइंग दिस थिंग कि ये कनेक्शन भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे आएगा जो शुरू में मे बी आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा एक कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे एक पर्सन बहुत इमोशनल दिखाई दे रहा है और एक पर्सन बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है. तो आई एम सीइंग कि यहाँ पर चीजों को बिल्डअप करना पड़ेगा, चीजों को मिलाना पड़ेगा. एंड डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आप अलग भी हो जाओगे तो वापस मिल जाओगे, वो वाली चीज भी यहाँ पर होगी. ओके, सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज मैसेज. कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन अरेंज मैरिज के थ्रू, आपकी फादर की सिस्टर के थ्रू आ सकता है, दैट इज योर बुआ, उनके थ्रू ये कनेक्शन आ सकता है, या किसी रिलेटिव के थ्रू आ सकता है, जो मुझे यहाँ पे एक फीमेल वाली वाइब दे रही है. थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप. वाओ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये कनेक्शन के थ्रू आप अपनी पास्ट की काफी चीजों से मूव करोगे. आप करना भी नहीं चाहोगे तो समवेयर यू नो दिस कनेक्शन की, इस कनेक्शन की जो एनर्जी है दैट विल फोर्स यू टू कम आउट ऑफ योर पास्ट, कि आप अपने पास्ट से बाहर आओ. अगेन फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप लोग कुछ लोग इस पर्सन के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में है, मुझे ये चीज भी यहाँ पर फील हो रही है कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में, हो सकता है आपको अभी 3 महीने हो गए इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आए हुए, पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है जहाँ पर यू नो काफी आप अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर. Please spirit guides help me to help them, to guide them, to heal them. Please hame bataiye about their connection. Wow. Can you see that? We have 10 of cups. Wow, pile number 3. I'm seeing a very, very happy, you know, kind of a connection. Jahan pe cheeze dheere dheere build up ho rahi hai. Even some of you guys are going to have a family with this person. Kuch log is person ke sath family ho sakti hai. Aapko bilkul family jaisi feeling aayegi, ghar jaisi feeling aayegi is connection with person ke sath. And dheere dheere you will come out of this energy. जो भी ये हैवी एनर्जी है उससे आप बाहर आओगे. बट डोंट थिंक लाइक दैट कि इस पर्सन के आने से आप आओगे, वो एफर्ट्स आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, खुद से ही लेने पड़ेंगे. अगर ये चीज आप अभी से स्टार्ट कर लेते हो, अगर आप सिंगल हो तो वो वेल एंड गुड है. अगर आप अभी इस कनेक्शन में हो तो भी आई वुड सजेस्ट यू कि आप वेट मत करो किसी और का कुछ करने के लिए आपकी लाइफ में. आपको ये खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, यू कैन डू इट रियली वेल. सो आस्क योरसेल्फ कि ऐसी पास्ट की क्या एनर्जीज है या पास्ट की क्या चीजें हैं जो आपको कनेक्शन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं या आपकी लाइफ में फियर क्रिएट कर रही हैं. ये चीजें आपको हेल्प करेंगी. लेट्स सी कब आप इस पर्सन से मिल सकते हैं. प्लीज यूनिवर्स, ये कब इस पर्सन से मिल सकते हैं. हायरोफेंट अगेन, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है या अरेंज मैरिज के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 months भी हो सकते हैं, या फिर मई का महीना, जुलाई का महीना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट. अगेन आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ऑफ हर्मिट, मुझे ऑटम का मंथ भी दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑगस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर, इस टाइम पर भी पॉसिबिलिटी है. इट्स अ जनरल रीडिंग, सो यहाँ पे काफी सारे यू नो मंथ एंड डेट्स, ये सारी चीजें आती हैं. बट येस, ऑटम यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है मौसम. और उसके अलावा जो मैंने बताया कि अरेंज मैरिज के थ्रू चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं विद इन 5 months. लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए. द आंसर यू नीड आर कमिंग. सो मे बी यू गाइज आर रियली फीलिंग कंफ्यूज अबाउट योर कनेक्शन राइट नाउ, बट बहुत जल्दी यहाँ पर एक क्लैरिटी भी यूनिवर्स आपको देने वाली है लाइफ में. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. अगेन आपको थोड़ा यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा. यू नीड टू चेंज योर सेल्फ अबेट. थोड़े से जो आपको चेंजेस है वो अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे. अगर आप अभी भी पास्ट की चीजों को फॉलो कर रहे हैं या पास्ट के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ नया मिले या कुछ स्टेबल मिले, तो जब तक वो चीज आप में खुद नहीं आएगी तो सामने से भी वो आपको दिखाई नहीं देगी आती हुई.
प्लीज फिल इट गाइस एंड फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जहां पर मैं एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग भी फ्री देती हूँ टैरो रीडिंग के साथ, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। बस हाँ, आपको अपना बर्थ टाइम पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट पता हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, तो भी वी कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर लाइफ। तो आप वो बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एंड और प्रकार रीडिंग्स देखने के लिए हम चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, लुक फॉर अ साइन, तो यूनिवर्स आपको काफी साइन दे रही है इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। लेट गो, यू हैव टू लेट गो पाइल नंबर 3। पास्ट की चीजों को आपको लेट गो करने की जरूरत है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो आपको साइन दे रहे हैं कि वो आपको नेगेटिव ट्रेट्स दिखा रहे हैं अपने, जिससे कि आप ये समझो कि अब आपको इस चीज से बाहर निकलना है, इस भंवर से बाहर निकलना है। दिस इज व्हाट इज यूनिवर्स इज टीचिंग यू राइट नाउ। यूनिवर्स आपको साइन दे रही है। थैंक यू सो मच। लिसन टू योर इंट्यूशन, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन पाइल नंबर 3। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है। आई नो आप में से कुछ लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, बट यस ये आ रहा है तो मैं बताऊंगी, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आने वाले एक साल के अंदर अपने वर्क के थ्रू, या आप अपने वर्क के थ्रू या काम के करियर के थ्रू कहीं मूव करने वाले हैं, उसके बाद ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू भी हो सकते हैं, बिकॉज दीज मैसेजेस आर कमिंग, सो ऑब्वियसली आई हैव टू टेल यू, आई कैन हाइड इट फ्रॉम यू गाइज। तो यस, ये है आपके वंडरफुल मैसेजेस, रीडिंग आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड प्लीज जस्ट डू लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस, आप कोई सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।